Assalamu alaikum. Today in this lecture we'll cover the topic of central differentiation. Remember that the first two differentiation, forward and backward, forward differentiation and backward differentiation, the formula for these differentiation was derived by using the Newton's interpolating polynomial. And now the central differentiation, the formula for the central differentiation is derived by using the Stirling's formula. The Stirling's formula is given. The Stirling's formula of interpolating polynomial, or you can say Stirling's interpolating polynomial or formula, is y of x equal to y naught plus p into these type of this is basically the formula, where the indices are something different or new. As you can see here, that y minus 1 y minus 2 and so y minus 2. So ye indices kya hain basically, dekhen. Backward difference टेबल के लिए जो आपके पास इंडाइसेस होंगे वो कुछ इस तरह से रखे जाएंगे कि अगर एक्स एन और वाई एन की वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, तो हमें मालूम है कि ये फॉरवर्ड के अंदर ये एक्स नॉट होता है, ये वाई नॉट होता है, फिर एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री एंड एक्स फोर वाई फोर, कुछ इस तरह से आपके पास कुछ वैल्यूज़ हुआ करती हैं. लेकिन यहाँ सेंट्रल डिफरेंशिएशन के अंदर इस तरह नहीं होगी. वैल्यूज़ को जो डिस्क्राइब किया जाएगा वो इस तरह से होगा कि एक्स नॉट वाई नॉट इज़ बेसिकली कंसिडर्ड एज अ सेंटर्ड वैल्यू. नाउ द प्रीवियस वैल्यूज़ आर एक्स माइनस वन वाई माइनस वन, एक्स माइनस टू एंड वाई माइनस टू. सिमिलरली दिस वैल्यू विल बी एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू. बट रिमेंबर दैट द डिफरेंस टेबल विल बी जनरेटेड एज सेम एज दैट ऑफ द फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन, बिकॉज द सिंबल दैट वी यूज इन दिस स्टर्लिंग फार्मूला. रिमेंबर दैट स्टर्लिंग फार्मूला इज बेसिकली इवेल्युएटिंग द डिफरेंशिएशन और द सेंट्रल डिफरेंशिएशन, बट बाई यूजिंग द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल. ठीक है ना, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को यूज़ करते हुए उसके अपने इंडेक्सेस हैं, स्टर्लिंग फार्मूला जो है वो अप्लाई किया जाता है. तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड डिफरेंस ही बनाएंगे. लेकिन फॉरवर्ड डिफरेंस में ये भी फर्स्ट डिफरेंस होगा इन दोनों का डिफरेंस, ये भी फर्स्ट डिफरेंस होगा वाई नॉट और वाई माइनस वन का डिफरेंस, यहाँ पर भी फर्स्ट डिफरेंस होगा और यहाँ पर भी फर्स्ट डिफरेंस होगा. लेकिन फॉरवर्ड डिफरेंस है तो बेसिकली हमारे इंडेक्सेज जो है वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, यानी इनिशियल वैल्यू से. तो ये हो जाएगा वाई माइनस टू, वाई माइनस वन, वाई नॉट एंड वाई वन. Similarly, the second differences will be del square y and del square y. So the values will be del square y minus 2, minus 1 and 0. Similarly, the third difference of y will be, this is also the third difference, this is the third difference, and this is also the third difference, but the indices are y minus 2 and y minus 1. Similarly, del 4y is y minus 2. ठीक है, तो ये इंडेक्सेस होंगे. लेकिन हमारे पास जो सेंट्रल डिफरेंशिएशन के अंदर जो वैल्यूज़ यूज़ होंगी वो सेंटर्ड वैल्यूज़ होंगी. तो देखें, सेंटर्ड वैल्यूज़ का क्या मतलब है कि ये दो वैल्यूज़ आपके पास सेंटर्ड हैं. इसके बाद क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस के अंदर चार वैल्यूज़ हैं, तो चार का तो कोई मिडिल पॉइंट या सेंटर्ड वैल्यू नहीं हुआ करती. तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि इन दो वैल्यूज़ का एवरेज ले लेंगे. आप देख सकते हैं हमने इन दो वैल्यूज़ का यहाँ पे एवरेज लिया हुआ है. ठीक है, इसी तरीके से क्योंकि इन तीन यहाँ पे तीन वैल्यूज़ मौजूद हैं, उन तीन वैल्यू का एक मिड पॉइंट या मिडिल वैल्यू इन तीनों की होती है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू सेलेक्ट करी और ये वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी. सिमिलरली इन दो वैल्यूज़ की क्योंकि कोई मिड वैल्यू नहीं होगी, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ का एवरेज ले लेंगे. ठीक, और इसको हम सिंगल ये वैल्यू यूज़ करेंगे. तो बेसिकली ये कुछ इंडाइसेस हैं जो कि स्टर्लिंग फार्मूला के अंदर यूज़ होंगे सेंट्रल डिफरेंशिएशन के लिए. मे बी कि ये इंडाइसेस हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, लेकिन अब मैं डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमें स्टर्लिंग फार्मूला किस तरह यूज़ करना है ये देखना है. पी की वैल्यू बहरहाल वही है, सेम एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई एच, लेकिन एक्स नॉट जो है वो बेसिकली यहाँ पर ये सेंटर्ड वैल्यू ये वाली होगी. तो कोई क्वेश्चन देखते हैं जिसके ऊपर हम सेंट्रल डिफरेंशिएशन अप्लाई करें और वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड कर सकें. मे बी के मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक डिफरेंस टेबल आपको जनरेट करके बता दूंगा और डिफरेंस टेबल के अंदर क्या क्या इंडेक्सेस के साथ किसकी वैल्यू क्या आ रही है ये बता दूंगा. इसके अलावा इससे ज़्यादा तो क्या जो है वो वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करना और वैल्यूज़ को जो है वो फर्दर इवेल्यूएट करना ये आपको खुद आना चाहिए. अच्छा, एक चीज़ का और ये ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर स्टर्लिंग फार्मूला जो गिवन है वो वाई का गिवन है, आपको खुद से ड्राइव करना है बेसिकली डी वाई बाय
डी एक्स का फॉर्मूला, तो डी वाई बाई डी एक्स का एंड सिमिलरली डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपको खुद से ड्राइव करना है। कैसे ड्राइव करेंगे, सेम वही है कि वन अपॉन एच आप कर लेंगे और ये जो कुछ भी है इसको आप एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर दें। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई नॉट की वैल्यू जीरो, ये वाई नॉट डिफ्रेंशिएट होगा अगर आपके पास पी के रिस्पेक्ट से, ये ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ ऐसी रहेगी। डेल वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू पी की वैल्यू, क्योंकि पी को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे पी के रिस्पेक्ट से तो आंसर वन आएगा, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस सेकेंड टाइम पे जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे पी स्क्वायर को तो टू पी आएगा, जो कि नीचे वाले टू फैक्टोरियल को कैंसिल कर देगा और खाली सिर्फ और सिर्फ पी रह जाएगा। डेल स्क्वायर वाई माइनस वन इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो ये डेरिवेटिव से बाहर आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस इसको इवैल्यूएट करने के लिए ज़ाहिर है अब आपको पहले इसे मल्टीप्लाई करना होगा और फिर उसके बाद उसका जो भी डेरिवेटिव आता है वो लिखना होगा। तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म क्या आएगी आपके पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पी क्यूब माइनस पी आएगी। तो इसका मतलब है डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा थ्री पी स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल, ये ऐसे ही रहेगा और क्योंकि ये तो पूरा ही कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को तो आप डेरिवेटिव से बाहर निकाल देते हैं, तो लिहाजा ये वैल्यू भी ऐसी रहेगी। फोर्थ टर्म इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसको मैं काट देता हूँ, ये नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपली पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर बनेगा इसका मल्टीपल, तो पी क्यूब का डेरिवेटिव आएगा थ्री पी स्क्वायर और पी स्क्वायर का आ जाएगा माइनस टू पी डिवाइडेड बाई फोर फैक्टोरियल, ये ऐसी रहेगा और डेल फोर वाई माइनस टू ऐसी रहेगा प्लस अपटिल सो ऑन। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने इवैल्यूएट कर दिया, सेकंड का होपफुली आप उसे इवैल्यूएट कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो सेंट्रल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम वर्किंग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव की डेरिवेशन खुद से कर लीजिए। डेरिवेशन क्या मतलब, डेरिवेशन कहना भी मजाक लग रहा है इसको, तो यू जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट दिस फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू पी and multiplied by 1 upon h square to get the formula of second order derivative. ठीक है, now we are considering some example to solve by using the Stirling formula or central differentiation. Okay, I am reading the question now. The question is the following data table. The following table gives the displacement in meters at different times. Find the velocity and acceleration at t equal to 1. तो बेसिकली हमें t इक्वल टू 1 पे ही जो है वो कैलकुलेट करना है, जो कि टेबल आपको गिवन है कुछ इस तरह से कि टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट आर गिवन एज t एंड x एज ज़ीरो टाइम ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट एंड 0.5 टाइम पे आपके पास 8.75 डिस्प्लेसमेंट है, 1 पे आपके पास 30 डिस्प्लेसमेंट है, 1.5 पे 71.25 डिस्प्लेसमेंट है और 2 पर फाइनली आपके पास जो है वो 140 डिस्प्लेसमेंट है। तो ये सब कुछ गिवन है, आपको क्या करना है कि डी एक्स बाई डी टी ये आपको फाइंड करना है बेसिकली, और सिमिलरली डी एक्स डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर ये भी आपको फाइंड करना है, दे बोथ विल बी फाइंड एट टी इक्वल टू 1। अच्छा देखिए, टी इक्वल टू 1 पे दैट मीन्स ये 1 भी हो सकता था और 1.1 भी हो सकता था, टी इक्वल टू 1.1 भी हो सकता था, टी इक्वल टू 0.9 भी हो सकता था, टी इक्वल टू 0.8 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे ना, टी इक्वल टू 1.3 भी हो सकता है। तो ये तमाम वैल्यूज अगर आप देखें ये सेंटर्ड वैल्यू के करीब है ना, सेंटर्ड वैल्यू 1 के करीब है, तो इसका मतलब इन तमाम वैल्यूज़ के ऊपर आप सेंटर डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करेंगे। लेकिन बुक में अगर टी इक्वल टू 1 पे कहा हुआ तो हम फिलहाल टी इक्वल टू 1 पे कर लेते हैं। तो नहीं, टी इक्वल टू 1 पे मेरा ख्याल है आपको एक प्रॉब्लम ये आएगी कि एक्स नॉट की वैल्यूज़ क्योंकि 1 है और एक्स की वैल्यू भी 1 है तो 0 आंसर तो वैसे ही हो जाएगा, पी की वैल्यू तो वैसे ही 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब सारे डेरिवेटिव वगैरह सारे यहाँ पे कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इन टी में से कोई एक टी कंसिडर कर लेते हैं, लेट सपोज़ कि हम यहाँ 1.3 को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, सो 1.3 पे अगर आपको कैलकुलेशन करनी है एट टी इक्वल टू 1.3, ठीक है, 1 पे मतलब वो बुक के अंदर दिया हुआ है लेकिन कैलकुलेशन बहुत सिंपल होगी इसलिए मैंने इसे चेंज कर दिया ताकि थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन सब्सटीट्यूट करने में आपको भी जो है वो प्रैक्टिस हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो बहरहाल फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल बना लेते हैं, डिफरेंस टेबल टी एन एक्स का आप डिफरेंस टेबल बनाएंगे, टी है आपके पास 0.5 1 1.5 2, एक्स की वैल्यूज़ हैं 0 8.75 30
71.25 एंड 140। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस, देखिए सेंट्रल डिफरेंस का मैं बना तो रहा हूँ यहाँ सिंबल, लेकिन हमें क्योंकि यूज़ तो फॉरवर्ड डिफरेंस ही करना है तो यहाँ पे मैं ये भी लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ स्लैश में डिवाइड, इसका मतलब डिवाइड नहीं और है, ठीक। तो और इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें जो इंडेक्सिंग करनी है इसकी, वो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के रिस्पेक्ट से इंडेक्सिंग करनी है। तो फिर 8.75 माइनस ज़ीरो करेंगे तो 8.75 ही रहेगा, 30 माइनस 8.75 करेंगे तो आपके पास आ रहा है 21.25। सिमिलरली 71.25 माइनस करेंगे आप 30 से, 30 माइनस कर देंगे 71.25 में से तो आपके पास आ जाएगा 41.25। सिमिलरली 140 माइनस 71.25 आप करेंगे तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया 68.75, ठीक है। सिमिलरली डेल स्क्वायर एक्स हम इवेल्यूएट करते हैं। सो डेल स्क्वायर एक्स में आपको सबसे पहले 21.25 सब्ट्रैक्ट कराना है इसमें से 8.75, तो आपके पास आंसर आ गया 12.5, ठीक है। इसी तरह से 41.25 में से आपको सब्ट्रैक्ट कराना है 21.25, तो आपके पास आंसर आ गया 20। सिमिलरली 68.75 में से आपको सब्ट्रैक्ट कराना है 41.25, यहाँ आपके पास आंसर आ गया 27.5। इसी तरीके से आपको थर्ड डिफरेंस भी फाइंड करना है, फोर्थ डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो थर्ड डिफरेंसेस, थर्ड एंड फोर्थ डिफरेंस मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख दिया है, देख सकते हैं आप लोग। थर्ड डिफरेंस और फोर्थ डिफरेंस ये है। नाउ देखें, क्योंकि एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू तो ये है, एक्स नॉट इक्वल टू 1 एंड वाई नॉट इक्वल टू 30, और यहाँ पे इंडाइसिस अगर आप यहाँ पे वैल्यूएट करें तो ये कुछ इसी तरीके से चलेंगे जैसे आपने पहले ओवर लैप किया था। ये है बेसिकली y माइनस 1, y माइनस 2, तो ये हो जाएगा डेल y माइनस 2, ये होगा डेल y माइनस 1, ये होगा डेल y नॉट, ठीक है। इसी तरीके से ये होगा डेल स्क्वायर y माइनस 2, ये होगा डेल स्क्वायर y माइनस 1 और डेल स्क्वायर y नॉट, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके पास डेल डेल क्यूब y माइनस 2 और डेल क्यूब y माइनस 1, और ये आपके पास ज़ीरो है डेल 4 y माइनस 2। तो हम ये सारे इंडेक्सेस लिख लेते हैं यहाँ पे सिंपली, डेल वाई माइनस वन इक्वल टू 21.25, सिमिलरली डेल वाई नॉट इक्वल टू 41.25। दीज वैल्यू विल बी यूज्ड इन द स्टर्लिंग फार्मूला और द डेरिवेटिव बाय यूजिंग द स्टर्लिंग फार्मूला। सिमिलरली डेल स्क्वायर वाई माइनस वन इज इक्वल टू 20, डेल क्यूब वाई माइनस टू एंड डेल क्यूब वाई माइनस वन, दे बोथ आर इक्वल हेयर, इट्स अ कोइंसिडेंस मे बी के किसी क्वेश्चन में ये इक्वल ना आए, और यहाँ पर ये ज़ीरो, ये भी कोइंसिडेंस है, ये आपके पास ना आए। तो बहरहाल ये आपके पास जो है वो वैल्यूज़ आ गए, इन वैल्यूज़ को आप उठा के जस्ट सिर्फ और सिर्फ सब्सटीट्यूट करेंगे अपनी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाले फार्मूले में और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले फार्मूले में जो कि स्टर्लिंग फार्मूला से हम ड्राइव करेंगे, और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल सेंट्रल डिफ्रेंशिएशन के अंदर आप सिर्फ यही चीज़ थी, बस सिर्फ न्यू क्या था इसके अंदर कि आपके इंडेक्सेस किस तरीके से सेंट्रल डिफरेंसिंग के अंदर या सेंट्रल डिफरेंस टेबल के अंदर इंडेक्सेस किस तरीके से सेट किए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।